बड़ी खबर इस वक्त मणिपुर से मिल रही है, जहां इस घटना से जुड़े ही मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार इस वक्त कर लिया गया है। और इसी के साथ घटना में गिरफ्तार मुख्य आरोपी की फोटो भी सामने आई है। 4 मई को महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो सामने आते ही पुलिस एक्शन मोड में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ ही पुलिस ने घटना में शामिल दूसरे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अपडेट करें। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये उसी दरिंदे की तस्वीर है जिसने दरिंदगी की है। घटना मणिपुर की है, जहां पिछले एक दिन से लगातार ये घटना सबके निगाहों में है। मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अमिताभ सिन्हा। अमिताभ जी, मणिपुर मामले के आरोपी की ये गिरफ्तारी कब और कहां से हुई? देखिए, आज सुबह, काफी सुबह अगर माना जाए तो आज रात को ही उसकी गिरफ्तारी हुई है, काफी सुबह में। और उसकी गिरफ्तारी एक प्रॉपर ऑपरेशन के बाद हुई है, उसकी पूरी पहचान करके उसकी, क्योंकि उस वीडियो में हरी टी शर्ट वाला जो लड़का दिख रहा था, ये वही लड़का है जिसका नाम हीरोदास मेतई है। ये 32 साल का लड़का है और वही रहता है। तो इसकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा संदेश है। और बाकी जितने भी कल्प्रिट्स हैं जो वहाँ नजर आ रहे हैं, जो जिनको 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 आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और सरकार उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वीरेंद्र सिंह ने भी कहा है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कि कैपिटल पनिशमेंट देने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो मुझे लगता है एक संदेश दिया गया है और कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अमिताभ जी, अभी और भी दरिंदे हैं। एक दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तस्वीर सामने है। दूसरे भी आरोपी वीडियो में नजर आ रहे थे, दिखाई दिए थे तस्वीर में। उनके खिलाफ क्या कुछ माना जाए, कब एक्शन शुरू होने वाला है? देखिए, एक्शन शुरू हो चुका है इसकी इस लड़के की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि इसकी टी शर्ट में साफ झलक रहा था कि क्योंकि वो विक्टिम को हाथों से पकड़ा हुआ था। तो इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो बाकी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, उनकी खोज में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज सुबह ही प्रधानमंत्री का एक सख्त संदेश आया है कि ये घटना बहुत शर्मनाक है, दुखद है, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री ने खुद संदेश दे दिया और बीजेपी की सरकार वहां पे है, मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कैपिटल पनिशमेंट की बात कर दी है, बीजेपी ने कह दिया है कि अब सरकार संसद में किसी भी चर्चा के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है इतनी गतिविधियों के बाद अब जो बाकी दोषी है, अब वो ज्यादा समय तक बच नहीं पाएंगे। एक सख्त संदेश प्रधानमंत्री के जुबान से निकलने के बाद हर कोई हरकत में आया हुआ है, पूरा का पूरा प्रशासन। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया।